दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में 9 मार्च 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करेंगे रक्षा अध्ययन और समाज कार्य की ये दो वैकल्पिक विषय यूपी पी में कभी बहुत ज़्यादा चर्चित रहा करते थे और बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा लोग सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट एक समय ये संख्या पहुंच गई थी जब ये दोनों विषय लिए जाते थे हालांकि अचानक से इन दोनों विषयों से घृणा करते हुए एक व्यक्ति ने इन दोनों को हटा दिया इन दोनों विषयों को अचानक से तो काफ़ी लोगों को झटका लगा क्योंकि काफ़ी मेहनत कर चुके थे ऑलरेडी लोग काफ़ी अपडेट कर चुके थे चीज़ों को और फिर से उनको नया विषय तैयार करना पड़ रहा है लेकिन फिर भी कुछ छात्र ऐसे है हैं जो रक्षा अध्ययन समाज कार्य के डिमांड जब से हटाए तब से कर रहे हैं शासन स्तर पर और सर आयोग के स्तर दोनों स्तरों पर बात हुआ है ये जो नए अध्यक्ष महोदय हैं इन्होंने कुछ अच्छे साइन दिए थे और कहीं से बात आई थी छात्रों के सामने कि अगर सौ लोग कम से कम एक ज्ञापन दे दें इस संदर्भ में बात करें आयोग से तो आयोग अर्थात अध्यक्ष अपनी तरफ से एक स्टेप लेंगे आगे इस संदर्भ में तो ये अभी उम्मीद बढ़ गई है क्योंकि कल ज्ञापन सौंपा गया है और कल ही की बात है कि कल ये आयोग से ही बात निकल कर आई है कि इन विषयों को 2023 से शामिल किया जा सकता है हालांकि कुछ प्रोफेसर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के और रक्षा अध्ययन के और लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो लगे हुए हैं कि 2022 से ही ये दोनों विषय और कुछ और विषय भी थे जो हटे थे तो वो विषय फिर से लिस्ट में आ जाए मतलब 2022 से ही ये इन विषयों को जगह दी जाए वैकल्पिक विषयों में तो मे भी ये देखने को मिल सकता है जो प्रोग्रेस होगी मैं बताऊँगा फिलहाल ये एक अच्छा साइन आयोग की तरफ से है इस संदर्भ में वो इस पर विचार कर रहा है यूपीएससी परीक्षा में पुनः होगा बदलाव देखिए 2024 में यूपीएससी बड़े स्तर पर मुख्य परीक्षा में बदलाव करने जा रही है इस संदर्भ में एक आंतरिक कमेटी गठित की गई है क्या होगा सिलेबस नया सिलेबस कैसे होगा क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होंगी तो मुख्य परीक्षा संभवतः 2024 में पूरी तरह ये संभावना है कि ये चेंजेस हो जाए बहुत बड़े 2024 या 2025 आप ये मान के चलिए कि बड़े बदलाव की तरफ यूपीएससी फिर से जा रहा है इसके पहले एक लंबा समय हो गया है बदलाव आपको पता है कि 10-15 साल पे अक्सर यूपीएससी कुछ ना कुछ चेंजेस करता है अपने आ, सिलेबस में या फिर अपने पैटर्न में तो ये इस बार एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है फिर से मुख्य परीक्षा में बी में घनघोर धांधली सामने आई है देखिए बहुत सारी परीक्षाओं में ऐसा माना जा रहा था कि केवल एक ही ऐसी घटना हुई है एक छात्र ने आरटीआई किया था लेकिन वो जब से खुलासा हुआ है तो सभी परीक्षाओं में ये बात सामने आ रही है कि वहाँ पर पैसे लेकर के भर्ती की जा रही है उसमें किया क्या जा रहा है कि जितने कैंडिडेट मिल गए मान लीजिए उनको पाँच कैंडिडेट मिल गए पैसे देने वाले पच्चीस पच्चीस लाख रुपये उनसे ले लिया और पाँच को क्वालिफाई कर दिया अब यहाँ पे क्या है और ये पांच को क्वालिफाई कैसे कर दिया उनकी कॉपी पे नंबर बढ़ा दिए ठीक है और साफ साफ दिख रहा है कि कार्ड के नंबर किसी के बढ़ा दिए गए हैं बढ़ाने वाले तो नहीं दिखेंगे घटाने वाले दिख रहे हैं क्योंकि इन छात्रों को फेल किया गया है जब ये बातें सामने आई तो अब सभी परीक्षाओं के जिनके जिनके रिजल्ट आए हैं हाल में हाल दो तीन सालों में उन्होंने आर करके अपनी कॉपी मंगवाई है अब आने वाले समय में बी बहुत मतलब कि बहुत बुरी तरह घिरने वाली है क्योंकि सभी परीक्षाएं चाहे वो बिहार जज के एग्ज़ाम हों इसके पहले हुआ ए का एग्ज़ाम हो या फिर बी के एग्ज़ाम हो जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के छात्र अभी आरटीआई बहुत ज़्यादा मात्रा में बीपीएससी के हाथ पांव फूल रहे हैं इस समय इतने आरटीआई इतने एप्लीकेशन आ रहे हैं तो ये एक बड़ी धांधली सामने आई है और किसी न किसी आयोग के एक बड़े कर्मचारी वर्ग का ही इसमें हाथ रहा है बहुत आसानी से साफ़ गोई से क्या कर रहा था वो कि लोगों को जिनको फेल करना था उनकी कॉपी खोल करके एग्जामिनर के स्तर पर नहीं हो रहा है ध्यान रखिएगा एग्जामिनर तो अपना नंबर दे दिया है फिर उस नंबर को काट करके या कटवा कर मे भी एग्जामिनर भी शामिल हो कहा नहीं जा सकता कौन कौन इसमें शामिल हैं तो कटवा के जैसे किसी के नंबर हैं बीस तो उसे दिलवा दिए सत्रह मतलब सेट कर दिया कि वो पास ना होने पाए कुल मिला के तो पूरा इसमें पाँच छः कॉपी जो लोग पास छात्र हैं जैसे पांच कैंडिडेट हैं तो पांच लोगों को फेल करना है जो पास हैं उन पांचों की कॉपी ऐसे रैंडमली निकाल करके जो दुर्भाग्यशाली है बेचारा उसका नंबर कम कर दिया टोटल में कम कर दिया वो फिर आगे नहीं बढ़ पाया इस तरह से चीज़ें बी में बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं और जो लोग बी देना चाह रहे हैं ख़ासकर बिहार के लोग इस मामले में प्रोटेस्ट जरूर करें एक बहुत बड़ा मामला है ये बीपीएससी में घनघोर धांधली है नहीं तो भूल जाइए आप लोग कि आपके साथ न्याय होने वाला है क्योंकि ये जो डिमांड है ये जो भूख है पैसों की वो बढ़ती जाएगी कैंडिडेट बढ़ते जाएंगे तो यू पी और पी सी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है बारी बारी से आएगी पहले यू पी पी की वैकेंसी आ रही है उसके बाद यू पी की वैकेंसी आ रही है पी सी की वैकेंसी पहले 95 थी अभी वैकेंसी 130 प्लस के लगभग बता रहे हैं हो सकता है वैकेंसी और ज़्यादा बढ़ सकती है ठीक है मतलब जब नोटिफिकेशन आए तो हो सकता है आपको आश्चर्यजनक रूप से वैकेंसी बढ़ी हुई दिख सकती है मैंने बताया था इस इस वर्ष पी के दो एग्ज़ाम्स हो सकते हैं तो हो सकता है दोनों एग्ज़ाम्स का जो वैकेंसी का नंबर है वो एक ही एग्ज़ाम में कर दिया जाए क्यों क्योंकि लेट हो गया है अभी इस सेशन में क्योंकि ये दिव्यांग वाला मुद्दा जो था दिव्यांग आरक्षण वाला तो उनके आरक्षण बढ़ाए गए हैं नहीं बढ़ाए गए थे तो लेट हो गया लगभग दो महीने तीन महीने लेट हो गया नोटिफिकेशन में ऑलरेडी तो इसलिए उम्मीद है कि एक ही बार में पद जुड़ जाएं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाए काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार है ए की वैकेंसी उसके एक महीने बाद मैंने आपको बताया है आएगी कृषि व अन्य परिणाम जो एग्रीकल्चर वाले एग्जाम हुए हैं अन्य एग्जाम्स हुए हैं उनके रिज़ल्ट अप्रैल में देना शुरू करेंगे आयोग वाले ऐसा आयोग से ये खबर आई है तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं परिणाम का थोड़ा और इंतज़ार उनको करना पड़ेगा क्योंकि मार्च में अभी छुट्टियां भी पड़ जाएंगी होली वगैरह की और मार्च में तो संभव नहीं है अप्रैल से ये परिणाम आने शुरू होंगे अंतिम चरण में है इनके परिणाम जो है वो कभी भी दे सकते हैं और जब ये टेबुलेशन होगा तब ज़्यादा अच्छे से बताया जा सकेगा कि इस हफ्ते आएगा कि अगले हफ्ते आएगा क्योंकि टेबुलेशन के बाद फिर कुछ बच नहीं जाता है और यदि आप लोगों के कुछ क्वेरीज़ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ये 9 मार्च की करंट अफेयर्स जो हैं आज आप लोगों को उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं कुछ कारणों से तकनीकी कारणों से इसलिए कल अर्थात दस मार्च को आज और कल के करंट अफेयर दोनों आपको मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का उसे अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि मंथली मैगजीन और डेली पीडीएफ करंट अफेयर्स के आपको वहाँ पर मिलते रहें और अगर यू पी पी मुख्य परीक्षा वैकल्पिक विषयों से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम पेड ग्रुप से तो आप लोग नाइन फोर फाइव थ्री डबल सेवन फाइव ज़ीरो थ्री नाइन पे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद